नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर दिया न्यूज फॉर इंडिया की डिजिटल प्लेटफॉर्म। 81 विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें सबसे हॉट सीट माना जाता है सारण, और अभी यहां चित्रा के आसपास ही कटहरा का मैदान में कल्पना मुर्मू सोरेन जी का सभा था जो कि खत्म हो चुका है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ है उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से सारण के प्रत्याशी हैं। सर, कैसा मूड है सर क्षेत्र का? ये तो हमसे बेहतर आप बताएंगे कैसा मूड। मूड तो ऐसा है कि इसका असेसमेंट मैं नहीं कर पाया आज के लोगों की तादाद को देख। काम हुआ कहाँ? सरकारी नीति, सरकारी निर्धारण के अनुसार जो काम आए हैं उसको छोड़ के क्या काम? आपकी अपनी उपलब्धि क्या है? जीरो। इससे ज्यादा मैं सर, जैसे यहाँ पर अभी आप चित्रा में बैठे हुए हैं, ECL चित्रा देवघर जिला में CSR का फंड ये सब आता है, लेकिन जब हम चित्रा का भ्रमण करते हैं सर, दुर्गति ही नजर आता है सर। क्या आपके आने से ये सब सिस्टम क्या सुधार हो? मैं जरूर कहूँगा कि उसमें लूट खसूट नहीं होगी। आवाम की जो बातें हैं, जो दायरा है, अब जैसे आप जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका एक दायरा है, दायरा से बाहर काम हो रहा है। उस फंड का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से अलग करके काम हो रहा है। मैं प्रशासन से भी और मैनेजमेंट से भी कहा और पूछा तो बोलो हाथ उठा दिए कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं। उतना ही नहीं, चित्रा कोलियरी में काम करने वाले लेबर्स को या लेबर्स के गांव को पीने का पानी नहीं है, जबकि SP माइन CICL या कोल इंडिया का ये नियम है कि जहां आपका एम्प्लॉई है वहां हर सुविधा आप दें और उसमें खर्च होते हैं, लेकिन पता नहीं वो खर्च कहां चले जाते हैं। मैं तो सरकार को इस दौरान बोलूँगा कि आप जरा अपने तरफ से भी जांच करा लें कि ड्रिंकिंग वाटर हो या स्कूल हो या जितने तरह की सुविधाएं दी जाती है ना कोल इंडिया की तरफ से, उसमें से कितनी सुविधा आप अपने लेबर को दिए। मैं जब गांव में जाता हूं तो लेबर कहते हैं हमें पीने पानी नहीं चाहिए, कोल इंडिया नहीं दिया है इतना तय कि पानी में वो पैसे को खर्च किया है, वो कहां गया और हम नहीं जानते। उसका कहना सही है या नहीं है, लेकिन जब मैं मैनेजमेंट से या प्रशासन से पूछता हूँ, क्योंकि वो तो पैसे देते हैं प्रशासन को, प्रशासन करवाती है काम, कैसे करवाती है, कहाँ करवाती है, ये जब मैं जांच करूँगा तो उसमें डिटेल। सर, जब हम एक बार यहाँ हॉस्पिटल आए थे, चित्रा हॉस्पिटल का एक बार खबर चलाया था सर, एक्सरे रूम का ताला पिछले हमको लगता है सालों से लटका हुआ है, दवाई तक उपलब्ध नहीं है सर। उस बारे में डिटेल तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कोल इंडिया का या SP माइंस का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मृत प्राय है, जो खुद मृत प्राय हो वो दूसरे का क्या इलाज। सर, दशकों से आप राजनीति कर रहे हैं सर सारण के, और हर एक जनता आपको जानती है सर, तो क्या इस चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं वोटिंग को लेकर, क्या अपील जनता से आप करना चाहते हैं? सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मैं आवाम से, जनता से, अपने वोटर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा पिछले 4 दशक से ज़्यादा से कर रहा हूँ और मैं फिर से मौका दें। मैं जाने कि इस दौर में बाबा मिल जाए भगवान, या किस घड़ी मौसम की क्या करवट चलेगी और कौन कब रहेगा या नहीं रहेगा, वैसे हालात में हमें एक मौका दें, मैं दिखाऊंगा सारण क्षेत्र की जनता को विकास कैसे होती है, विकास कैसे होता है, रूप कैसे हुआ है, ये भी बताऊंगा। ये मेरी अपील ही नहीं, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी प्रार्थना है कि हमें एक मौका दें और फिर मैं बताऊंगा कैसे जनता को लाभ। सर, आप भावुक नजर आ रहे हैं,
आपको जो मैं पिछले 10-15 वर्षों से 20 वर्षों से जो तड़पता हुआ देख रहा हूँ, लगता है कि यहाँ के लोगों को देखने वाला कोई है ही जो बिल्कुल नासूर सा गुजरता है मेरे भावनाओं मेरे दिल पर। क्यों मैं इस घड़ी को देख रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे मौका दे, आवाज मुझे मौका दे, मैं बताऊँगा कि मैं आपके लिए ही हूँ और आपके लिए ही बनूँगा। तो ये थे हमारे साथ चुन्ना बाबू जो कि सारठ के काफ़ी कद्दावर नेता हैं और दशकों से राजनीति इन्होंने की है, और बात कहते कहते कहीं ये भावुक भी हो गए कि जनता इस बार हमको एक मौका दे ताकि सारठ का तस्वीर बदलने में कोई गुरेज न हो, कोई तरह का समस्या न हो, ताकि सारठ एक खुशहाल सारठ रहे। अनुप कुमार राय, चित्रा।